बिहार सिविल जज 2023 जो एग्ज़ाम 4 जून 2023 को कंडक्ट कराया गया, उसमें विधि ला पेपर को आज डिस्कस करेंगे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक सीधा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, न्यायालय द्वारा दोषहारी याचिका का उपचार किसके अधीन किया जाता है? जो दोषहारी याचिका है उसका प्रावधान अनुच्छेद 142 के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो है, नागरिकों के पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में आरक्षण लागू किया जा सकता है? तो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संविधान में किसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया? तो संविधान में सशस्त्र विद्रोह को 54वां संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार मैच कराना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर चार थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर चार में मैच कराने के लिए करा कि पहला है व्यभिचार अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। तो जो व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ में। उसके बाद अगला है भारतीय दंड संहिता 300 धारा 377 आंशिक रूप से अपराध से बाहर किया गया, तो 377 को नवतेज सिंह जौहर के बाद में इससे संबंधित है, इसमें आंशिक रूप से 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला है महिलाओं के एक वर्ग पर मंदिर में प्रवेश का प्रतिबंध, तो यह जो है इंडियन एंगलायर्स एसोसिएशन जो सबरीमाला मंदिर विवाद से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया, तो यह है एस नाम्बी नारायण बनाम सीवी मैथुज का। और जो पांचवा दिया गया है, कामन काज, कामन काज पैथ्यूथेनेशिया से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर चार का जो ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच है, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य होने के लिए अयोग्य है, यदि वह, तो किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य बनाने के लिए या बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका निर्धारण संसद द्वारा विधि का निर्माण करके उसके लिए जो योग्यता या अनर्हता निर्धारित की जाती है, उसी के द्वारा संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह विधायी शक्ति है, यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, जैसा कि राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के अंतर्गत जारी करता है। क्वेश्चन नंबर सात है, यह भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में घोषित किया, 2007 में क्या करेंगे, 2007 में घोषित किया कि कोई विधि जो किसी मौलिक अधिकार को सीमित अथवा समाप्त करती हो, उसे यदि नवीस अनुसूची में शामिल किया जाए तो उसमें शामिल किया जाए तो भी, तो यहाँ क्या है, इसका सातवें का ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें डी में यह है कि जब आधारभूत ढांचे के मानकों पर उसका परीक्षण किया जा सकेगा, यदि उसे 24 अप्रैल, यही डेट आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद नवा अनुसूची में शामिल किया। अगर 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद किसी भी विषय को नवी अनुसूची में शामिल किया गया, तो उसका न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है, क्वेश्चन नंबर आठ के अंतर्गत कहा गया है कि भुला दिए जाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति AK कौल द्वारा किस किसके
के अवयव के रूप में मान्यता प्रदान की गई, तो यह आर्टिकल 21 और निजता का अधिकार इन दोनों के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबंध किया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जो मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे उनसे 15% उनमें मंत्री होंगे, सदस्यों में से 15% ही मंत्री होंगे। तो 9 का क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अविच्छिन्न भाग के रूप में मान्यता दिया गया, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत त्वरित विचारण का अधिकार भी दिया गया हुस्न आरा खातून, पर्यावरण का अधिकार भी दिया गया जिसमें के एमसी मेहता का भी केस आता है, विवाह का अधिकार है लता सिंह का केस आता है, विदेश जाने का यशवंत सिंह का है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ला के जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के दिए गए हैं, जिसको कि 1.5-2 घंटे में कर पाना बहुत मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जहां मूल अधिनियम में ऐसा उपबंध है जो कि प्रत्यायोजित विधायन द्वारा बनाए गए नियमों को मानो अधिनियम में अधिनियमित है का प्रभाव देता है, तो वह क्या है। यहाँ प्रत्यायोजित विधान से है कि अगर कोई प्रत्यायोजित विधान है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन के अपवर्जन में परिणित होगा। अपवर्जन का मतलब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, यह पूर्णतः गलत है। प्रत्यायोजन विधायन का भी न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। अगला जो है अधीनस्थ विधायन को अतिरिक्त सूचिता प्रदान करेगा, यह भी ऑप्शन है कि अतिरिक्त विधान को अतिरिक्त सूचिता नहीं प्रदान करेगा। अधीनस्थ विधान जो भी विधान पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है, इसे अतिरिक्त सूचिता प्रदान नहीं की जाती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से विबंध के सिद्धांत को कौन सही रूप से व्यक्त करता है। विबंध के सिद्धांत को क्या करें, विबंध के सिद्धांत को कौन सही रूप से व्यक्त करता है, तो इसमें जो है करें कि यह सिद्धांत मोतीलाल पदमपत सुगर मिल्स लिमिटेड में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया गया, यह तो सही है, यह सही है। दूसरा है यह सिद्धांत तो वहाँ लागू होगा जहाँ वचन पर विश्वास करते हुए वचनग्रहिता ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है, यह भी सही है। अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, तीसरा में है कि सरकार के विधायी संप्रभु अथवा प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के विरुद्ध कोई विबंध लागू नहीं होता, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे सरकार के विरुद्ध भी वचनात्मक विबंध लागू होता है, यह गलत है, यह सही है, यह भी सही है। अगला है सरकार के विरुद्ध विबंध लागू करने हैं तो याचिकाकर्ता को ऐसे किसी हानि या क्षति को सिद्ध नहीं करना होगा जो उसे वचन पर विश्वास करने से उत्पन्न हुई, यह भी सही है। इस तरह से इसका 1, 2 और 3 सही, 1, 2 और 4 सही है और तीसरा गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि भारत में ओम्बुड्समैन के सृजन की ओर पहला प्रयास कब किया गया। जैसा कि ओम्बुड्समैन की अगर हम बात करें, सबसे पहले 1960 में भारत के जो कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, 1960 में भारत के कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के द्वारा ओम्बुड्समैन के लिए प्रयास किया गया। इसके बाद संसद में की गई
उसके बाद 1966 में क्या हुआ, 1966 में ओम्बुड्समैन लोकपाल के लिए दो पदाधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। तो इस तरह से इस ऑप्शन में 1960 है, नहीं 1966 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1966 होगा, क्योंकि 1966 में दो लोक पदाधिकारियों की, लोक ओम्बुड्समैन के अंतर्गत जो लोकपाल होते हैं उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कारण कि जब कोई व्यक्ति सरकार के लिए विधितः कुछ कार्य करता है या सरकार को विधितः कोई वस्तु प्रदान करता है और उसका आशय अनुग्रहिक कार्य करने का नहीं, अनुग्रहिक का मतलब होता है निःशुल्क करना, यहाँ है अनुग्रहिक कार्य करने का नहीं है, अर्थात निःशुल्क कार्य करने का उसका तात्पर्य नहीं है, तो ऐसे कार्य या वस्तु स्वीकार किए जाने पर वैध अनुबंध की स्थिति में उपर्युक्त व्यक्ति, तो यहाँ पे जो उपर्युक्त व्यक्ति है, कह रहा है सरकार द्वारा अर्जित किसी लाभ की बहाली का दावा कर सकता है, सरकार को आन्वयिक संविदा के अंतर्गत करने को बाध्य कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी सही है कि वह सब सरकार को आन्वयिक संविदा के अंतर्गत पालन करने को बाध्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे पुरातन निर्णय जिसे सशर्त विधायन को सर्वप्रथम वैध घोषित किया गया कौन सा है। सशर्त विधायन की अगर बात कहें तो सबसे पहले इनरी दिल्ली लाज एक्ट भी आता है 1912 का, लेकिन यहाँ पर है क्वीन बनाम बुराह का केस है, इसलिए इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट है कि ऑप्शन या तो ऑप्शन डी सही है या तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन 100% लग रहा है कि दिल्ली लाज एक्ट हो सकता है इसका आंसर, या क्वीन बनाम बुरा, दोनों में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको आप अभी पेंडिंग में रखिए, जैसे इसका आंसर क्लियर होगा आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहा गया कि कौन सा प्रत्यायोजित विधायन के प्रक्रियात्मक अधिकारातीत का उदाहरण नहीं है। अधिकारातीत का मतलब होता है अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य करना, तो कह रहे हैं कि अधिकरण में से जाए जाने की समय सीमा निर्धारित करना, प्रभावित होने वाले हितों से पूर्व परामर्श किया जाना, विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। तो प्रत्यायोजित विधायन को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो यह अधिकारातीत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रशासनिक कार्य की वैधता को अभिनिर्धारित करने हेतु न्यायसंगत प्रत्याशा का सिद्धांत समाहित है। प्रत्याशा का जो सिद्धांत समाहित है यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत गैर मनमानेपन के सिद्धांत से है और विधि शासन दोनों से है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है 17 का सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्या है। तो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता न्यायालयों, अधिकरणों तथा प्रशासनिक निकायों पर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी प्रशासनिक कार्यवाही या निर्णय को रद्द किया जा सकेगा। तो किसी को असद्भावनापूर्वक नहीं रद्द किया जा सकता, असंगत आधार या आधार शून्यता। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात असद्भावनापूर्वक और असंगत आधार पर अगर कोई कार्यवाही की गई है तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर रद्द किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सिद्धांत आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए
मुआवजे की अनुमति दी जा सकती है। चूंकि यह एक सार्वजनिक अपकार है, इसके लिए संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। यह जो सिद्धांत दिया गया यह तीनों केसों में लागू होता है, एमसी मेहता, सेव स्टियन और नीली बाती बेहरा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतःकरण और धर्म के आबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अधीन है किसके? तो लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अविवाहित महिला को जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रजनन, स्वतंत्रता, गरिमा और प्राइवेसी का अधिकार उपलब्ध है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में जिसमें पीठ गठित पीठ में न्यायमूर्ति कौन कौन शामिल थे? तो सुधांशु धूलिया, हीमा कोहली और एम सुरेंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी जिसका उपबंध किया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किस से संबंधित कौन है, किस नाम से? एडीएम झपलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो संविधान के अंतर्गत राज्य नहीं है ONGC। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद किसमें सहकारी समिति की प्रोन्नति से संबंधित है? तो आर्टिकल 43 भी इसे 2013 के द्वारा जोड़ा गया, यह सहकारी समितियों की प्रोन्नति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद द्वारा घोषित विधि के संबंध में पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक हैसियत प्रदान की जाती है? आर्टिकल 141 है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्व न्याय का सिद्धांत किस रीट पर लागू नहीं होता है? पूर्व न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान के अंतर्गत टोटल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, तो एक बार में 6 माह और उसके आगे अगर अवधि बढ़ानी है तो 6-6 माह पर उसको संसद के सदस्यों के द्वारा उसे बहुमत से पारित करना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम किसमें उल्लिखित किया गया है? तो जो संक्षिप्त नाम है आर्टिकल 343 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने यह टिप्पणी की थी कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में तार्किक ढंग से भेद किया जाना असंभव है, यदि ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो सब कृत्रिम है, वह सब कृत्रिम है कीथ की परिभाषा है यह। क्वेश्चन नंबर 33 है, एडीएम झबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में कहा गया कि विधि का शासन मनमानेपन का विलोम है, यह सभी सभ्य समाजों में स्वीकार किया जाता है और स्वतंत्र समाज का एक चिन्ह माना जाता है, उपरोक्त संक्षेपण किसने किया? तो उपरोक्त संक्षेपण न्यायमूर्ति बेग के द्वारा किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति राय जो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे, वो न्यायमूर्ति बेग के द्वारा दिए गए इस कथन से संतुष्ट थे, सहमत थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक स्प्रिट डेथ लुइस डेस लुइस जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समाविष्ट किया गया, यह कब प्रकाशित हुई? यह 1748 में प्रकाशित हुई, यह 1748 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर अगला है, हेनरी अष्टमखंड संबंधित है किससे? तो हेनरी अष्टमखंड कठिनाइयों के निवारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है?
तो इसमें जो कथन त्रुटिपूर्ण है वह सशर्त विधान में विधि तत्काल प्रभाव में नहीं आती, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन से वाद को प्राकृतिक न्याय के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित या कथित किया गया? तो जो मैग्ना कार्टा के प्राकृतिक न्याय को, यह सबसे पहले रीज बनाम बाल्डविल का है, जिसमें कि आदम से भी पूछा गया था कि उसने निषिद्ध फल क्यों क्यों खाया, अर्थात नेचुरल जस्टिस का पालन किया गया, तो उसी को लेकर मैग्ना कार्टा का जो वर्णन किया गया, जो बनाया गया, तो इसका मेन मोटो था रीज बनाम बाल्डविल। क्वेश्चन नंबर 38 है, एपिक एके क्रैफक किससे संबंधित है? इसका वाद, तो एके क्रैफक का जो वाद है वह व्यक्ति संबंधी पक्षपात या व्यक्ति संबंधी झुकाव से है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेमो डेबिट एक्स जूडेक्स इन प्रोक्सीमा काजा से संबंधित नहीं है? तो इससे संबंधित तीन चीज़ें हैं। पहला है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, स्वयं अपने मामले में कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए, ये तीनों हैं, इसमें पूछा है नहीं है, तो यह निर्णय करने वाले प्राधिकारी को निष्पक्ष और पक्षपात रहित होना चाहिए, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमादेश जारी किया जा सकता है तो परमादेश जारी नहीं किया जाता, तो परमादेश मंत्रालय कर्मचारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता कि आप ये कार्य करिए ये कार्य नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, हनफी विधि में माँ एक बच्चे के पुरुष बच्चे की संरक्षक होती है जब तक वह प्राप्त न कर ले, तो सुन्नी भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत दो शाखाएं होती हैं, एक होती है सुन्नी एक होती है शिया, और ये जो हनफी विधि है या हनफी विधि शिया विधि की उपशाखा है, तो शिया विधि के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है उसमें अगर कोई बालक है तो वह 7 वर्ष तक, अगर बालिका है तो वह 15 वर्ष तक या यौनागमन की अवस्था तक वह माता की अभिरक्षा में मानी जाती है, और शिया विधि के अंतर्गत बालक है तो 2 वर्ष, बालिका है तो 7 वर्ष की जो समय होती है वह माँ की अभिरक्षा में मानी जाती है। तो यहाँ हनफी विधि पूछा है, तो हनफी विधि सुन्नी विधि की शाखा है, तो इसके अंतर्गत बालक की आयु यदि वह 7 वर्ष तक नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक उसकी अभिरक्षा माँ की मानी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, धारा 112 आईपी एविडेंस की किससे संबंधित है? तो धारा 112 एविडेंस की वैध विवाह से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि किसी महिला का और किसी व्यक्ति के वैध विवाह के कायम रहते हुए 120 दिनों के भीतर, एक मिनट, 280 दिनों के भीतर यदि किसी पुरुष और महिला के बीच वैध विवाह के कायम रहते हुए किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह यह माना जाएगा कि वह उसी व्यक्ति का बच्चा है, तो यह वैध विवाह से संबंधित है, 112 वैध विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से हिंदू को मुस्लिम दान के अनुसार अगर कोई दान किया जाता है तो वह दान वैध होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुन्नी विधि की कितनी शाखाएं हैं? तो जैसा कि सुन्नी विधि की 4 शाखाएं हैं, एक है हनफी, एक है हनबली, हनफी है, हनबली है, सफाई है, सफाई है, और है मलकी, और क्या है, मलकी। तो इस तरह से सुन्नी विधि की 4 उपशाखाएं हैं, हनफी, मलकी, हनबली और सफाई, और शिया विधि की 3 उपशाखाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 43 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, करा कि अवयस्क को की गई हिबा वैध है यदि कब्जा हस्तांतरित कर दिया जाता है पिता को। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदू विधि का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिक हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? तो जो आधुनिक हिंदू विधि का स्रोत है वह धर्मशास्त्र नहीं है, यह
प्राचीन हिंदू विधि का स्रोत है। आधुनिक में न्याय साम्य सद्विवेक पूर्ण निर्णय और विधायन। क्वेश्चन नंबर 47 है, वैध न्याय के लिए क्या आवश्यक है? तो वैध न्याय निश्चित होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इसके लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिज बनाम मंगला प्रसाद का वाद किससे है? तो ब्रिज बनाम मंगला प्रसाद का वाद विभाजन से है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदू विवाह में कितने शास्त्रीय अनुष्ठान हैं? तो हिंदू विवाह के अंतर्गत चार प्रकार के शास्त्रीय अनुष्ठान होते हैं। जब विवाह होता है तो जिसमें वर और वधु अग्नि को साक्षी मानकर चार फेरे लेते हैं, जिसमें तीन फेरों तक स्त्री आगे रहती है, वर आगे रहती है, और चौथे फेरों में वधु आगे रहती है, चौथे फेरों में वर को आगे किया जाता है, जिसमें चार शास्त्रीय अनुष्ठान है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार शास्त्रीय अनुष्ठान में कौन है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने के लिए सक्षम व्यक्ति के पिता यदि हिंदू नहीं रह गया है, अंतिम या संपूर्ण रूप से सहमत है, अंतिम एवं संपूर्ण रूप से सहमत है कि मृत्यु हो गई है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ कहा गया कि माता बच्चे को दत्तक कब दे सकती है? जब पिता हिंदू न रह गया हो या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके। यहाँ पे लिखा है अंतिम और संपूर्ण रूप से सहमत है, उसके बाद है कि मृत्यु हो गई है। उपयुक्त सभी दशाओं में माता बच्चे को दत्तक दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दायभाग स्कूल के अनुसार सभी धरोहर। तो एक होता है दायभाग, एक होता है मिताक्षरा। तो मिताक्षरा क्या है? करें कि मिताक्षरा यह रक्त संबंध पर होता है, दायभाग पिंडदान पर होता है। मिताक्षरा के अंतर्गत मिताक्षरा यह उत्तराधिकार पर होता है। मिताक्षरा उत्तराधिकार पर होता है, अर्थात जब कोई उत्तराधिकारी छोड़कर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। दायभाग पिंडदान पर होता है, जो व्यक्ति किसी के पिंडदान से संबंधित है वह उसके जीवित रहते हुए भी अपनी संपत्ति को विभाजित करा सकते हैं। तो इस तरह से दायभाग अबाधित सभी धरोहरों से संबंधित है, अर्थात इसमें जो संपत्ति है वह बाधित नहीं है, उसके पक्षकार जब भी चाहे उसे अपने विभाजन के लिए कर सकते हैं, उसे बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा के अंतर्गत जब तक संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में नहीं जाएगी तब तक उसे नहीं बांट सकते। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलग रहने और भरण पोषण की डिक्री का आदेश हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 और CRPC के अंतर्गत 125 और 126 दोनों 125 और 126 यहाँ पे जो है 124 दिया है, 126 125, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका 125 होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दिया है तो ए और सी होगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, जिसमें है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 हिंदू को अपनी वसीयत द्वारा निम्नलिखित में से किस संपत्ति को बयानित करने का अधिकार प्रदान करती है? तो वह स्वयं प्राप्त संपत्ति को मिताक्षरा सहदायकी संपत्ति का अविभक्त अंश अगर मिताक्षरा सहदायकी में है तो वह जो है उस संपत्ति को विभक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर नहीं क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, शरीयत अधिनियम कब लागू हुआ? तो शरीयत अधिनियम 7 अक्टूबर 1937 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 विषम का पता लगाइए, इसमें जो है हनफी, मलकी, सफ़ी ये सुन्नी विधि की शाखा है। ये किसकी शाखा है? ये सुन्नी विधि की शाखा है, जबकि सिया इसमें अलग है, भिन्न है। 57 का डी। क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, हिबा बिल इबाज द्वारा किया गया दान। हिबा बिल इबाज द्वारा किया गया दान ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, मुतवल्ली की मुस्लिम कानून के अनुसार क्या भूमिका है? यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, जहां व्यक्तिगत कानून के उपयोग के संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के उपयोग में टकराव होता है तो बाद वाला प्रभावी होगा, यह किस मामले में जाना गया? ऑप्शन नंबर एक, पुलकल असी ईसा कुट्टी बनाम परत अब्दुल समद। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, नियोजन के उपक्रम में निम्नलिखित में से किसका आवश्यक तत्व तो है? प्रतिनिधिक दायित्व का। क्वेश्चन नंबर 62 है, वारकर बनाम क्या करा कि वारकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के मामले में निम्नलिखित में से किस तथ्य को संरक्षण दिया गया? तो विद्वेषपूर्ण के मामले में जो संरक्षण दिया गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविदा कल्प किस धारा में किस अध्याय में है? संविदा कल्प अध्याय 5 में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, यह करार क्या है? तो यह करार शून्य है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हंडले बनाम वैक्सेंडल नामक प्रसिद्ध वाद में न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें जस्टिस पीटर एंडरसन थे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, करें कि द प्रोविंस ऑफ द लॉ ऑफ टार्ट के लेखक कौन है? विनफील्ड है। क्वेश्चन नंबर 68 है, डायनम फाइलेट किससे संबंधित है? तो डायनम फाइलेट यह मैगजीन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, उपताप के लिए क्या उपचार है? तो उपताप के लिए क्षतपूर्ति है, व्यादेश है, उपशमन है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्यता के सिद्धांत पर अग्रणी विधि निर्णय है? टेलर बनाम कॉल्डवेल। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, संविदा की क्षतपूर्ति की प्रकृति कैसी होती है? अपरिनिर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाजी करार के लिए आवश्यक है? तो बाजी करार के लिए परस्पर लाभ और हानि की संभावना, पक्षकारों का घटना पर नियंत्रण नहीं, अनिश्चित घटना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, संविदा अधिनियम के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करार शून्य है? धारा 27 के अंतर्गत व्यापार के अवरोधक करार शून्य है। धारा 74 में क्वेश्चन 74 में कहा गया, डोनोग बनाम स्टीवेंसन से संबंधित जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस लॉर्ड एटकिन। क्वेश्चन 75 है, करें कि बिना गलती के दायित्व को किस धारा में लागू किया गया? तो बिना गलती के दायित्व को जो लागू किया गया योगदायी उपेक्षा में, अर्थात उसके नियोजन के दौरान किसी के नौकर के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसकी भरपाई के लिए उसकी जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है। तो इसी में कहा गया कि बिना गलती के दायित्व योगदायी उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि एक समाचार पत्र एक मानहानि लेख प्रकाशित करता है जिसका लेखक श्री एक्स है तो उसके विरुद्ध लाया जा सकता है वाद, किसके विरुद्ध? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यक्ष मुद्रक और प्रकाशक और संपादक के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, करें कि किस तरह के दोष अपकृत नहीं है? तो जो नैतिक दोष है, नैतिक दोष अपकृत नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रतिनिधिक दायित्व के लिए नौकर है, तो प्रतिनिधिक दायित्व के लिए नौकर है एक ऐसा व्यक्ति जो मालिक के नियंत्रण में है कि उस व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है। अगला है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मालिक नियुक्त कर सके या हटा सके, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिना हानि के क्षति का अर्थ क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायनम साइन इंजुरी, एक होता है इंजूनियर साइन डायनम। एक होता है बिना हानि के क्षति, एक होता है
छत के बिना हानि। तो इसमें करा कि बिना हानि के छत का अर्थ क्या है, हानि नहीं हुई, जिसमें हानि बिना विधिक छत के हो, जिसमें हानि क्या है, बिना हानि के क्षति अर्थात हानि नहीं हुई और विधिक क्षति हो गई। क्वेश्चन नंबर 80 है, एसवी बनाम व्हाइट में निर्णय प्रतिपादक क्या है, विनफील्ड का सिद्धांत। एसवी बनाम व्हाइट का जो निर्णय दिया गया उसमें विनफील्ड के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानहानि हेतु वाद लाने के लिए कौन समर्थ है। तो मानहानि के लिए वाद लाने हैं तो एक व्यक्ति एक कंपनी दोनों समर्थ है, और फर्म तभी समर्थ है जब वो पंजीकृत हो, इसलिए ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या कोई व्यक्ति विधिक रूप से अपने पड़ोसी के पालतू कबूतर को मार सकता है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पे इसका ऑप्शन परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है कि वह कैसी परिस्थितियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, असंभावी दुर्घटना का अर्थ क्या है। करके असंभावी दुर्घटना का अर्थ है दैवकृत, एक अप्रत्याशित हानि जिसे न पहले देखा गया हो न टाला गया हो, एक अप्रत्याशित हानि जिसे पहले देखा गया टाला गया हो, यह नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोई दोष दायित्व तो नहीं है का अर्थ क्या है। करके कोई दोष दायित्व तो नहीं है अर्थात बिना किसी उपेक्षा और त्रुटि के पूर्ण दायित्व। क्वेश्चन नंबर 85 है, अपकृत अतिक्रमण है, तो अपकृत जो अतिक्रमण है यह व्यक्तिबंधी न होकर व्यक्तिबंधी संविदा होती है। व्यक्तिबंधी क्या होती है, करें कि व्यक्तिबंधी जितनी संविदाएं की जाती हैं संविदा व्यक्तिबंधी होती है, अपकृत सौरबंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, राम ने सड़क पर दो घोड़ों को दौड़ते देखा तो यातायात को बाधित कर रहे थे, उनको रोकने के प्रयास में राम को चोट लग गई, क्या वह घोड़ों के मालिक से क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार है। हाँ हकदार है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। करें कि एक गलत पूछा है, करें कि एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वचन हो जाता है, सही है। हर एक वचन ऐसे वचनों का हर एक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल करार कहलाता है, यह भी सही है। करें कि हर एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाता है, सही है, लेकिन यहाँ पे 2A न होकर 2D होना चाहिए। अगला है, सभी करार संविदा हैं। सभी करार संविदाएं नहीं है, वही करार संविदाएं हैं जो विधि द्वारा क्या है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हर एक वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह क्या होता है, वह करार होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऐसा हर करार जो अनिश्चित है, तो ऐसा हर करार जो अनिश्चित हो वह क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि करार को निश्चित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, करें कि सामान्य प्रतिसंहरण हो जाता है, तो जो सामान्य प्रतिसंहरण होता है वह कैसे होता है, समय के बीत जाने पर, प्रतिसंहरण की सूचना दे दिए जाने पर, प्रस्तावक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूबद्ध से क्या अभिप्रेत है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि में निविष्ट, जैसे भित्ति निर्माण, ऐसी निविष्ट वस्तु जिससे यह बद्ध है उसका अस्थायी फायदा प्रद उपयोग किया जा सके, भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियाँ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 है, ए जीवन भर के लिए बी को संपत्ति हस्तांतरित करता है और फिर बी के ऐसे बेटे को जो उसकी आशयित शादी से हो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे, संपत्ति में बेटे का हित कैसा होगा। तो संपत्ति में बेटे का हित निहित हित होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ए अपनी संपूर्ण संपत्ति बी को दान करता है जिसमें से एक संपत्ति ऋण के भुगतान के लिए दायित्वाधीन है, अदाता दान के रूप में कुछ भी नहीं ले सकता जब तक कि वह
इसे क्या करेगा, जब तक कि वह इसे पूर्णतः स्वीकार न कर ले तब तक वह दान के रूप में कुछ भी नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 88 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी, किसी संपत्ति को सती को बढ़ावा देने के लिए मंदिर बनाने के उद्देश्य से अंतरित की जाती है। तो यहाँ शाश्वतता का विरुद्ध नियम है, यहाँ शाश्वतता लागू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 95 है, जहाँ की एक व्यक्ति की अचल संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है, यह संव्यवहार कहलाता है, बंधक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए हस्तांतरण, जब कोई अचल संपत्ति का दान किया जाता है तो कम से कम दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा प्रभावी होना चाहिए। अगला है, कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए, कब्जे के परिदान द्वारा प्रभावी होना चाहिए। तो अचल संपत्ति के दान के लिए कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन होना चाहिए, कब्जे के परिदान द्वारा प्रभावी होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी, अर्थात दाता द्वारा और उसकी ओर से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा प्रभावी होना चाहिए और कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 करें कि जहां 97 है, जहां की पक्षकार जहां की क्या करें जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति तद द्वारा उस संपत्ति में हित अर्जित कर सकता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वह समाश्रित हित अर्जित करेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामिक सूत्र वाक्य नहीं है कह रहा है। तो इसके अंतर्गत 12 सूत्र दिए गए हैं और 4 इसके नेचर हैं, प्रकृति हैं, जिसमें से साम्या उसी को किया गया मानता जो किया जाना चाहिए, इसका सूत्र है। साम्या आशय को देखती प्रारूप नहीं, यह भी इसका सूत्र है। साम्या किसी दोष को उपचार विहीन नहीं रहने देती, यह भी उसका सूत्र है। साम्या क्रिया से व्यक्त रखती है, यह इसका सूत्र नहीं है बल्कि यह इसका आधार वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, साम्या ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करेगी जो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, यहाँ पे कह रहा प्रदान नहीं करेगी, सॉरी, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, सद्भावना एवं शुद्ध अंतःकरण के विपरीत आचरण करता है, न्याय शुल्क नहीं देता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रवर्तनी से संबंधित है। तो धारा 11। क्वेश्चन नंबर 101 है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा कहावत साम्य का मुहावरा नहीं है। तो कह रहे हैं कि साम्य का मुहावरा समानता साम्या है, जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभावी होगी, यह भी है। एक्स इको बोनो पोटो, यह भी है। कह रहे देरी साम्या को विलंबित कर नहीं करती, यह नहीं है, क्योंकि देरी के द्वारा भी साम्या को विलंबित किया जाता है, देरी साम्या को विलंबित करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 102 है, अंग्रेजी साम्य विधि भारत में उपयुक्त हो सकती है अगर इसके कोई अवगुण न हो जिससे इसकी स्थानीय स्वीकृति मिलने में दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 103 है,
इधर थोड़ा बड़े क्वेश्चन है अब। एक्स जो वाई से बीमा कंपनी का न्यासी है के पास प्रीमियम भुगतान के लिए हाथ में धन है, एक्स प्रीमियम भुगतान अदा करने में उपेक्षा करता है जिसके फलस्वरूप बीमा पॉलिसी जब्त कर ली जाती है। निम्नलिखित में से एक सही वक्तव्य का चयन करें जो इस स्थिति से बनता हो। ऑप्शन नंबर इसका डी है, वाई को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक्स बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ब्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता, करें कि ब्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा न्यायिक कार्यवाही में बाहुल्य निवारण करने के लिए जब वादी का उस मामले में कोई वैयक्तिक हित न हो, जब किसी चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिससे वादी उपमत नहीं हो गया, तो ब्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा न्यायिक कार्यवाहियों के जिसमें बाहुल्य निर्धारित या निवारित करने के लिए। इसका कोई आंसर स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105, बहुत लंबा क्वेश्चन है इसका, 105 का इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 106 भी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, संयुक्त हिंदू परिवार का एक नाजायज बेटा जिसे गिरवी रखी गई संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार हो, यह जो है स्थापित करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ये 107 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक्स अपनी काश्तकारी ज़मीन को 50 लाख की राशि के लिए वाई के पास गिरवी रख देता है एवं बंधक विलेख पंजीकृत करवा लेता है। बंधक विलेख की शर्तों के अनुसार बंधक की अवधि 90 वर्षों की थी, यह भी कि बंधकदार अपनी पसंद के लिए किसी भी समय बंधक धन प्राप्त करने का हकदार था, ऐसा बंधक क्या है? ऐसा बंधक अंग्रेजी बंधक। क्वेश्चन नंबर 110, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत त्वरण का सिद्धांत धारा 27 में है। क्वेश्चन नंबर 111, करें कि विशिष्ट माल का अर्थ क्या है? विशिष्ट माल का अर्थ है माल की पहचान उस समय की जाती है जब वे अस्तित्व में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 का डायरेक्ट ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया कौन वचन पत्र है, वचन पत्र में वचन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114, करें कि यदि उपहार दाता के जीवन के दौरान स्वीकार किया जाता है लेकिन पंजीकरण और अन्य औपचारिकताओं के पहले दाता की मृत्यु हो जाती है तो उपहार क्या होगा? तो यह उपहार वैध होगा क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोनस शेयर जारी करने के लिए मान्य नहीं है? अब इधर लॉन्ग क्वेश्चन, कंपनी ला के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, क्वेश्चन नंबर 118 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए सही है, एम ए के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर
119 देखें तो वचन पत्र, विनिमय पत्र, बिल या धारक को दे चेक प्रक्रम है अनुसमर्थन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, 120 में ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वेच्छा से परिसमापन करने वाले लेनदारों में निरीक्षण समिति नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 है, किन परिस्थितियों में इच्छा पर साझेदारी में भागीदार नहीं माना जाता। 121 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 121 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भागीदार के बीच इस समझौते पर विचार किया जाता है कि साझेदारी दो भागीदार होने तक जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 122 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 123, जिसमें है कि फर्म के साझेदार व्यवस्था की प्रगति के लिए भागीदार माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है कि यदि मृत साथी की एक विधवा पत्नी पति की मृत्यु के बाद अन्य भागीदारों के समझौते के साथ भागीदारी में प्रवेश करती है और लाभ का हिस्सा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, 124 छोड़ दीजिए, 125 क्वेश्चन नंबर 125 है। तो क्वेश्चन नंबर 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कहा गया है कि निम्नलिखित में से कब इसे अंतर्देशीय उपकरण के रूप में माना जाएगा। तो अंतर्देशीय का मतलब होता है जब कोई प्रोमिजरी नोट भारत के अंतर्गत लिखा गया हो, भारत में देय है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि एक प्रोमिजरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक भारत में तैयार या बनाया गया और गया चेक और भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर आहरित या देय को अंतर्देशीय साधन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 है, निष्क्रिय भागीदार। तो निष्क्रिय भागीदार कहा जा रहा है, निष्क्रिय भागीदार किन कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो निष्क्रिय भागीदार के लिए एक निष्क्रिय भागीदार को फर्म के लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार है, सही है। एक निष्क्रिय भागीदार न तो कार्यशील होता है न ही बाह्य व्यक्तियों की जानकारी में होता है, सही है। एक निष्क्रिय भागीदार फर्म के व्यापार में इच्छुक नहीं रहता, सही है। एक निष्क्रिय भागीदार क्या है, एक निष्क्रिय भागीदार फर्म के देयता के लिए बाह्य व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या करें कि ऑप्शन नंबर डी यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है करें कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है यह ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी 126 का क्या, 126 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, दस्तावेज 131 क्या है। क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया कि स्वीकृति एक कथन है जो हो सकता है। तो स्वीकृति धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति एक कथन है, चाहे दस्तावेजी हो, चाहे मौखिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 है, कौन साक्ष्य सामान्यतः नहीं दे सकता। 118 के अंतर्गत अतिवार्धक शरीर के या मन के रोगी, कोमल वयस, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 123 है, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं, 131 सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, 133 CRPC उपखंड मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारतीय दंड संहिता की अधीन किसी अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है, उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, उपयुक्त सभी।
उपयुक्त क्या है, करें कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 136 है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में जानकारी देने की बाध्यता उसके रिश्तेदारों को या उस व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए व्यक्ति को या उसके मित्र को, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में से किसी को भी उसको जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 137 है, एक लोक उपद्रववाद को संस्थित किया जा सकता है। तो जो लोक उपद्रववाद को संस्थित किया जा सकता है, ए और डी, महाधिवक्ता द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। लोक न्यूसेंस के वाद को क्या, लोक न्यूसेंस के वाद को दाखिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कथित रूप से किया गया हो जो भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल हो, तब कौन सा न्यायालय संज्ञान ले सकता है, सत्र न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 139 है, लघुवाद न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140 है, अभिवचन का अर्थ क्या है, आर्डर 6 रूल 1, आर्डर 6 रूल 1 अभिवचन वाद पत्र या लिखित कथन। क्वेश्चन नंबर 141 है, रजिस्ट्रे का सिद्धांत सेक्शन 6, एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। क्वेश्चन नंबर 142 है, कौन सी परीक्षा में सूचक प्रश्न बिना न्यायालय की अनुमति से पूछा जा सकता है, 142 है, 143 है, जिसमें प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 है, सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील कौन से आधार पर होती है, तो द्वितीय अपील विधि के केवल सारवान प्रश्न पर होगी। द्वितीय अपील किस पे होगी, विधि के केवल सारवान प्रश्न पर होगी। क्वेश्चन नंबर 144 है, वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। वाद पत्र को तब नामंजूर किया जाता है जब पूरा स्टाम्प न लगा हो या वाद हेतु प्रकट न करता हो। तो इस आंसर के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी, जब वाद हेतु प्रकट नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 145 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक पक्षी आदेश या एक पक्षी डिग्री को पास कर सकता है, तो आर्डर नाइन रूल सेवन एंड आर्डर नाइन रूल थर्टीन। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा पर न्यायालय किसी अभियुक्त को अजबानती अपराध में जमानत दे सकता है, यदि वह स्त्री है, रोगी, विकलांग है, 16 वर्ष से कम आयु का है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के नियंत्रण में नहीं है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के नियंत्रण में नहीं होता, यह कार्यपालकीय अधिकारी है, यह राज्य सरकार के अधीनस्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यस्थम न्यायाधिकरण के विनिश्चय को क्या कहते हैं, तो मध्यस्थम न्यायाधिकरण के विनिश्चय को पंचाट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, किसके निर्देश के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय का वही न्यायाधीश एक से अधिक ऐसे मामलों का न्यायाधीश होगा, कौन डिसाइड करेगा, जिला न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है, लघुवाद न्यायालय की अनुपस्थिति में किसी वाद पत्र को कौन ग्रहण, वापिस या नामंजूर कर सकता है, तो रजिस्ट्रार या अनुसचिवीय अधिकारी या तो उसे ग्रहण या तो वापिस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चन को हल कराया गया, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल लीगल नॉलेज बाय नीतीश सर ज्वाइन करके सारे नोटिफिकेशन, चाहे वीडियो का नोटिफिकेशन हो, चाहे किसी सब्जेक्ट का PDF हो, चाहे GS का PDF हो, चाहे करंट अफेयर का PDF हो, आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके जीएस और लॉ में मिलाकर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि एक एक्सपेक्टेड कटऑफ जारी किया जा सके। धन्यवाद।